एवरीबॉडी, प्रत्येक व्यक्ति का अभिनंदन है, स्वागत है। आज मैं फिर आपके सामने एक न्यू वीडियो लेके आया हूँ। आज का अपना जो मॉडल पेपर है वो ऑल ओवर ग्रामर का रहेगा। आज मैंने मॉडल पेपर में पूरी की पूरी कंप्लीट ग्रामर के जो एग्जांपल है वो इंक्लूड किए हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के फटाफट इसको अपन मॉडल पेपर बात करते हैं। मिक्स ग्रामर का, कंप्लीट ग्रामर का आपके सामने पहला वीडियो। पहला प्रश्न क्या कहता है देखिए, द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर आई द स्टेशन, करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। आपको क्रिया का सही रूप बताना है, इसमें क्रिया का कौन सा फॉर्म का प्रयोग होगा। चलिए फटाफट कीवर्ड देख लीजिए, द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर आई द स्टेशन। इसमें आपको कौन सा कीवर्ड मिल रहा है जिसके आधार पर आप सही वर्ब का यूज कर सकते हैं। क्या हैड रीच्ड आएगा, या रीच आएगा, या हैज रीच्ड आएगा, या फिर रीच्ड आएगा, आप कंफर्म कर लीजिएगा। अगर मैं आपको बताना चाहूं, द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर, हमको क्या मिला, बिफोर मिला। जिस क्लोज को, जिन दो क्लोज को आफ्टर या बिफोर से जोड़ा जाता है, और एक साइड में आपको पास्ट टेंस मिले तो दूसरे में भी पास्ट ही आता है। इसका रूल ये कहता है कि बिफोर से पहले अगर अपन को हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म मिलती है तो नेक्स्ट क्लोज होता है उसमें फटाफट बताइए कौन सा टेंस आता है, उस समय हमेशा पास्ट इंडेफिनेट आता है। ये तो पास्ट इंडेफिनेट नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। सही करेक्ट आंसर हो गया रीच्ड। इसका अपन उच्चारण करते हैं रीच्ड, यानी कि द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर आई रीच्ड द स्टेशन, मेरे स्टेशन जाने से पहले ही रेलगाड़ी पहुंच चुकी थी। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। दो नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, इफ वी ए लॉटरी वी विल बाय ए कार। एक कंडीशनल सेंटेंस है, यदि हम एक लॉटरी जीतते हैं तो हम क्या खरीदेंगे, कार खरीदेंगे। फटाफट अपना अनुमान लगाइए कौन सी वर्ब इसमें आने वाली है, क्या वोन आएगी, क्या विन जाएगा, क्या विन आएगा, या हेड वोन आएगा। आपको 10 सेकंड का टाइम है, 10 सेकंड में अपने ज्ञान को चेक कर लीजिए, उसके बाद इसको मैं आपके सामने एक्सप्लेन कर दूंगा कि किस प्रकार इसको अपन यूज में लेते हैं। इफ वी ए लॉटरी वी विल बाय ए कार, मैं आपको हमेशा कहता हूं करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का वाक्य अपन सोल्व करते समय सेंटेंस में से एक कीवर्ड खोजना पड़ता है और उस कीवर्ड के आधार पर अपने वाक्य को कंप्लीट करते हैं। अगर इस वाक्य को देखें तो वाक्य की शुरुआत किससे हो रही है, इफ से हो रही है, यानी कंडीशनल सेंटेंस है। कंडीशनल सेंटेंस कहता है कि यदि इफ वाले सेंटेंस में हमको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस मिलता है, क्या मिलता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो दूसरा क्लोज होता है उसमें फ्यूचर इंडेफिनिट आएगा, कौन सा आएगा, फ्यूचर इंडेफिनिट। अगर दूसरी कंडीशन ये कहती है कि अगर इफ वाले क्लोज में, जिसमें इफ भी कंडीशन रखी जाती है कि अगर ऐसा होता है, उसमें आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म मिलती है यानी पास्ट टेंस मिलता है, तो नेक्स्ट जो क्लोज होगा उसमें भी आप पास्ट ही रखेंगे, वुड शुड वुड प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म आती है। अगर आपको कंडीशन वाले क्लोज में हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म मिलती है, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो फ्यूचर वाला क्लोज जो आएगा जिसमें आप शर्त को पूरी करें कि आप क्या चीज करेंगे अगर ऐसा करते हैं, तो उसमें आपको आप ले सकते हैं वुड हैव, क्या ले सकते हैं, वुड वुड हैव या शुड हैव, वुड हैव या शुड हैव प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म आती है। इस प्रकार ये तीन कंडीशंस बनती है। अगर आपको इफ वाले क्लोज में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस मिलता है तो जो सेकंड क्लोज आएगा उसमें आप फ्यूचर इंडेफिनिट का यूज करेंगे। अगर आपको कंडीशनल क्लोज में वर्ब की सेकंड फॉर्म मिलती है पास्ट टेंस मिलता है तो आप कुड वुड शुड का प्रयोग करेंगे। अगर आपको कंडीशनल क्लोज में पास्ट परफेक्ट टेंस मिलता है हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म तो उसमें वुड हैव शुड हैव प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म का यूज होता है, थर्ड फॉर्म का यूज होता है। अगर इस सेंटेंस को ध्यान से देखें ना, ये कंडीशनल क्लोज है, इफ से शुरू हो रहा है, इफ वी ए लॉटरी वी विल बाय ए कार। यहाँ देखिए कौन सा टेंस है, फ्यूचर इंडेफिनेट आया है। अगर यहाँ पे फ्यूचर इंडेफिनेट आया है तो इफ वाले में कौन सा आना चाहिए, प्रेजेंट इंडेफिनेट आना चाहिए। तो प्रेजेंट इंडेफिनेट की क्रिया देख लीजिए, हेड वन तो हो नहीं सकता, विन हो सकता है, विन हो सकता है, वोन हो सकता है, वोन नहीं हो सकता, पास्ट इंडेफिनेट हो गया, दो के बीच कंपटीशन रह गया, विंज और विन। तो देखिए इस वर्ब का सब्जेक्ट है वो प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब आनी है, और प्लूरल वर्ब आएगी तो अपना सही होगा विन। इस प्रकार अपने दो एग्जाम्पल हमने हल कर लिए। तीसरा एग्जाम्पल देखिए, बड़ा शानदार सा एग्जाम्पल है, रोमन विथ हिज ब्रदर सिंस जनवरी। कीवर्ड खोजिए फटाफट फटाफट कीवर्ड खोज लीजिए, इसमें कौन सा कीवर्ड है जिसके आधार पर आप सही क्रिया का यूज कर सकते हैं। आप कहेंगे सर अगर हम देखें
रोमन विथ हिज ब्रदर सिंस जनवरी, यानी कि हमको सिंस या और के बाद टाइम मिलता है तो वो टेंस या तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस होता है या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस होता है या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस होता है। देख लेते हैं इसमें कौन सी वर्ब भी है, यानी स्टेड तो पास्ट इंडेफिनेट है नहीं हो सकता, विल स्टेड कभी होता ही नहीं क्योंकि मॉडल के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, मॉडल के साथ तो हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है। वाज स्टेइंग ये भी नहीं हो सकता क्योंकि परफेक्ट कंटिन्यूस पार्ट नहीं है। हैज बीन स्टेइंग, हैज बीन स्टेइंग ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की साइक्रिया है, तो अपने तीसरे एग्जांपल में सही आंसर हो जाता है डी। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, चार नंबर पे। चार नंबर प्रश्न कहता है द पिक्चर वाज, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी इसको बहुत बार पूछा जाता है। द पिक्चर वाज बाय माय वाइफ हैंग्ड हंग हंग नन। देखिए बच्चों, एक तो वर्ब होती है कि हंग्ड, एक वर्ब होती है हंग, और थर्ड फॉर्म भी होती है हंग। अब आपको फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखना है इसमें कीवर्ड क्या मिला। कीवर्ड ये कहता है कि पिक्चर वाज बाय माय वाइफ, यानी कि आपको वाज मिला, वाज की बात तो आपको सिर्फ आईएनजी फॉर्म आती है, कहीं भी आईएनजी फॉर्म दी भी नहीं गई है, लेकिन बच्चों ध्यान से देखना ये पैसिव वॉइस का वाक्य है। कौन से वॉइस का है? पैसिव वॉइस का है, क्योंकि बाई प्लस क्या रखा है? नाउन आ रखा है। बाई प्लस क्या आया है? नाउन आया है। इट मीन्स ये पैसिव वॉइस का वाक्य है। पिक्चर वाज बाय माय वाइफ, अब इसको पता है कि पैसिव वॉइस का वाक्य है, तो पैसिव वॉइस में कौन सी वर्ब की फॉर्म का प्रयोग होता है? थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। अब आप कहोगे सर हंग तो थर्ड फॉर्म नहीं हो सकती, हैंग्ड हंग, इन दोनों में कंपेरिजन है। ये जो स्पेशल वर्ड है ना हैंग्ड, ये हैंग्ड होता है किसी व्यक्ति को फांसी पे लटकाना, किसी व्यक्ति को फांसी पे लटकाने के लिए हैंग्ड वर्ब का यूज किया जाता है। जैसे द जज सेज, जज ने कहा द क्रिमिनल हंग्ड टिल डेथ, कि अपराधी को मृत्यु तक फांसी पे लटकाया जाए, तो ये वर्ब तो वो अलग प्रकार की हो गई, तो अपनी जो थर्ड फॉर्म बची वो कौन सी बची? हंग बची, एच ई एन जी हंग फॉर होता है लटकाना, हंग हंग। द पिक्चर वाज हंग बाय माय वाइफ, कि ये जो तस्वीर है वो मेरी पत्नी के द्वारा लटकाई गई, क्योंकि पिक्चर कुछ नहीं कर रही है, जो कर्म है वो प्रधान है, ये क्या है? पैसिव वॉइस का वाक्य है। चलिए चार नंबर पांच नंबर वाक्य लेते हैं, बड़ा ही इजी। गेट अप द सन हैज ऑलरेडी, उठ जाइए क्योंकि सूर्य क्या हो चुका है? गेट अप द सन हैज ऑलरेडी, उठ जाइए, सूर्य पहले से ही उदय हो चुका है। अगर आप ध्यान से देखेंगे बड़ा इजी वाक्य है, फटाफट उत्तर दे दीजिए। राइज्ड रोज राइजन राइज्ड, कौन सी वर्ब आने वाली है? कीवर्ड तो आप पहचान ही गए, ऑलरेडी आ रखा है और इससे पहले क्या दे रखा है? हैज दे रखा है, तो वर्ब की कौन सी फॉर्म आनी है? थर्ड फॉर्म आनी है, तो कंफर्म है, दिखते यहां हो रही है, दिखते यहां हो रही है। देखो बच्चों, एक वर्ड होता है राइज, एक वर्ड होता है अराइज, है ना, तो इसमें जो राइज एक तो होता है रोज और राइजन, राइज रोज राइजन, एक होता है राइज राइजन राइजन, एक होता है अराइज अरोज राइजन। ये अराइज तो होता है जैसे कोई लिक्विड ऊपर उठे, जैसे पानी ऊपर उठा, द वॉटर अराइज्ड, पानी ऊपर उठा। ये राइज होता है, एक तो सूर्य का उदय होना, एक होता है कोई भाव बढ़ना, तो सूर्य का उदय होने वाला होता है राइज रोज राइजन, तो अपन इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म लेना है, तो ये राइज तो नहीं ले सकते, ये तो होता है किसी भाव या कीमत का बढ़ना, रोज सेकंड फॉर्म रही, अराइज हो ही नहीं सकता, तो अपनी फॉर्म क्या बची? राइजन बची। गेट अप द सन हैज ऑलरेडी राइजन, कि खड़े हो जाइए क्योंकि सूर्य पहले ही उदय हो चुका है। मैंने तीन क्रियाओं की बात की थी, राइज के दो सेंस निकलते हैं, राइज का मतलब होता है कोई भाव का बढ़ना या सूर्य का उदय होना, और अराइज का मतलब होता है ऊपर उठना। अब जो भाव बढ़ने वाला होता है राइज राइजन राइजन होता है, सूर्य वाला राइज रोज राइजन होता है, और ये अराइज अरोज राइजन होता है। इस प्रकार अपने पांच वाक्य क्लियर हो जाते हैं। छठा वाक्य देखिए, बड़ा शानदार वाक्य, क्या कहता है? एन मोटल, मोटल का मतलब क्या होता है बेटा? नश्वर होता है, कि मनुष्य क्या है? नश्वर है। आप इसमें कोई कीवर्ड पहचानिए, कौन सा कीवर्ड है? आप कहेंगे इसमें तो कोई कीवर्ड डाला ही नहीं। देखो बच्चों, मनुष्य हमेशा ही नश्वर था, नश्वर है और नश्वर रहेगा, जैसे गॉड इमोर्टल, भगवान हमेशा ही अनश्वर था, अनश्वर है और अनश्वर रहेगा,
तो ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। कौन सा ट्रूथ है? यूनिवर्सल। और यूनिवर्सल ट्रूथ में कौन सा टेंस आता है? हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट आता है। तो ये रहा आपका पास्ट, ये रहा आपका पास्ट, एक बच गया आर, एक बच गया इज। अगर कोई भी वर्ब का सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो वर्ब सिंगुलर आएगी, कोई भी वर्ब का सब्जेक्ट प्लूरल हो तो वर्ब क्या आएगी? प्लूरल आएगी। तो मैन तो सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ किसका प्रयोग होगा? इज का प्रयोग होगा। छह वाक्य हल हो जाते हैं। सात नंबर वाक्य देखिए, द पॉपुलेशन ऑफ सरदार शहर, कि सरदार शहर की जनसंख्या 30 लाख तक हो जाएगी बाय 2024, 2024 तक। पहचानिए कौन सा टेंस है इसमें? क्रॉस्ड, विल हैव क्रॉस्ड, विल क्रॉस, शैल हैव क्रॉस्ड। आपको इसमें एडवर्ब की पहचान करनी है कि कौन सा एडवर्ब आया है। मैं आपको बता दूं, फटाफट आप आंसर को चेक कर लीजिए कौन से आने वाला है, फिर आप तुलाना देते हो बार बार कि सर आप हमें मौका नहीं देते आंसर निकालने का। फुल मौका है आपके पास। क्रॉस्ड, विल हैव क्रॉस्ड, विल क्रॉस, शैल हैव क्रॉस्ड। चलिए मैं आपका आंसर क्लियर करता हूं बेटा। बाई प्लस कोई फ्यूचर टाइम मिले ना, बाई प्लस फ्यूचर टाइम, उसमें फ्यूचर परफेक्ट टेंस होता है हमेशा। बाई प्लस फ्यूचर टाइम अगर आपको मिलता है तो उसमें फ्यूचर परफेक्ट टेंस होता है। देखिए इसमें बाई प्लस फ्यूचर टाइम मिला, तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस की साइक्रिया को याद कीजिए। शैल हैव, विल हैव और वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? थर्ड फॉर्म आती है। इट मीन्स ये तो दोनों कट हो गए, कितने बच गए? विल हैव क्रॉस्ड, शैल हैव क्रॉस्ड। कौन सा लेंगे? आप कहेंगे सर पॉपुलेशन ऑफ सरदार सर, इसमें जो मेन वर्ब का करता है वो पॉपुलेशन है। अगर पॉपुलेशन है तो पॉपुलेशन के साथ शैल हैव नहीं आएगा, पॉपुलेशन के साथ क्या आएगा? विल हैव आएगा। अपना आंसर बी सी बिल्कुल करेक्ट था। द पॉपुलेशन ऑफ सरदार सर विल हैव क्रॉस्ड 30 लाख बाय 2024, कि 2024 तक सरदार सर की जनसंख्या है वो 30 लाख से क्या हो चुकी होगी? पार हो चुकी होगी। ये था अपना सात नंबर क्वेश्चन। चलिए आठ नंबर क्वेश्चन लेते हैं। आठ नंबर क्वेश्चन आपका एससी वॉइस का है, यानी कि करेक्ट फॉर्म के 5-6 वाक्य हल किए। इसी प्रकार पूरी ग्रामर के वाक्य आने वाले हैं। वाक्य कहता है वी मैक बटर फ्रॉम मिल्क, पैसिव वॉइस का वाक्य फटाफट निकाल लीजिए आप। पैसिव वॉइस का कौन सा वाक्य इसमें आना चाहिए? फटाफट आंसर निकाल लीजिए। पैसिव वॉइस का कौन सा आंसर इसमें आने वाला है? चलिए हल करते हैं। वी मैक बटर फ्रॉम मिल्क, पहला कहता है बटर इज बींग मेड फ्रॉम मिल्क। क्या ये आंसर हो सकता है? अंदाजा लगाइए। बटर हैज बीन मेड फ्रॉम मिल्क, बटर इज मेड बाय अस, बटर इज मेड फ्रॉम मिल्क। पैसिव वॉइस को सबसे बेटर हल करने का तरीका होता है ऑब्जेक्ट और वर्ब की पहचान कर लीजिए। ऑब्जेक्ट क्या है? बटर है, प्रत्येक में बटर लिखा है, ठीक है जी, आंसर नहीं निकला। टेंस की पहचान कीजिए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इट मींस ये कौन सा टेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। कौन सा टेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस एक्टिव वॉइस का हो, एक्टिव वॉइस में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की वर्ब हो, तो पैसिव वॉइस कौन सी लगाते हैं? प्रेजेंट कंटीन्यूअस की लगाते हैं, और वो क्या होती है? इज आर एम होती है। फिर कट कौन सा हो गया? एक तो ये हैज वाला कट हो गया कि सर ये नहीं हो सकता। पहला देखिए बटर इज बीइंग नहीं हो सकता, क्योंकि अगर एक्टिव वॉइस के वाक्य में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो तो उसमें अपन क्या लगाते हैं? बीइंग लगाते हैं। बटर इज मेड बाय अस, एक तो ये वाक्य, बटर इज मेड फ्रॉम मिल्क, एक ये वाक्य, दोनों में कंपटीशन है। एक आंसर का चयन कर लीजिए फटाफट। आप कहेंगे बटर इज मेड फ्रॉम मिल्क आएगा सर, क्योंकि जो आजकल वी और दे हैं उनको अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट मानकर पैसिव वॉइस में क्या कर दिया जाता है? छोड़ दिया जाता है। अगर आपको ये ऑप्शन नहीं मिले तो आप इस ऑप्शन का चयन कर सकते हैं। यदि आपको ऐसा ऑप्शन मिले, इस ऑप्शन का चयन आपको नहीं करना है। बटर इज मेड फ्रॉम मिल्क, डी आंसर बिल्कुल करेक्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन भी वॉइस का आने वाला है, फटाफट तैयार हो जाइए। चलिए ये रहा आपके सामने, दे हैव पेंटेड द डोर, आप इसका आंसर निकाल लीजिए। दे हैव पेंटेड द डोर, दे हैव पेंटेड द डोर। चलिए दे हैव पेंटेड द डोर, इस वाक्य में दे सब्जेक्ट हो गया, हैव है वो ऑपरेटर वर्ब, पेंटेड थर्ड फॉर्म ऑफ द डोर इसका ऑब्जेक्ट हो गया, यानी कि इसमें कौन सा टेंस है? हमको हैज या हैव मिला, तो पैसिव वॉइस में कौन सी क्रिया लगेगी? हैज बीन या हैव बीन लगेगी। अगर आपको याद नहीं हो तो पीछे के पैसिव वॉइस की वीडियोस काफी डाले हैं मैंने, उनमें आप देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। वहां पे मैंने एक टेबल भी डाली थी, मॉडल पेपर था वो अपना वॉइस का। डोर हैज पेंटेड, द डोर हैज पेंटेड नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें हैज या हैव मिला है। अगर एक्टिव वॉइस के वाक्य में अपन को
हैव या हैज मिलता है तो पैसिव वॉइस के वाक्य में उसके साथ क्या लगाना पड़ेगा, बिन लगाना पड़ेगा। तो इसमें तो बिन वर्ड आया ही नहीं। द डोर हैज बिन पेंटेड, एक तो ये सेंटेंस है, द डोर वॉज पेंटेड तो हो ही नहीं सकता, द डोर हैज बिन पेंटेड, ये दो वाक्य हैं। देखिए दोनों में क्या अंतर है वो निकाल के एक का आंसर आप निकाल लीजिए। ये वाक्य कहता है द डोर हैज बीन पेंट, द डोर हैज बीन पेंटेड, बेटा वॉइस में हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म आती है, और यहाँ पे तो कौन सी फॉर्म रखी गई, फर्स्ट फॉर्म रखी गई, और स्ट्रक्चर बिल्कुल सही था, बट वर्ब की वजह से क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया, और सही आंसर हो गया डी, द डोर हैज बीन पेंटेड। ये वो इसका आपका जो दूसरा नंबर क्वेश्चन है आज के इस मॉडल पेपर का 12 नंबर क्वेश्चन है, वो टैग क्वेश्चन से संबंधित है। कौन सा क्वेश्चन, टैग क्वेश्चन। आपको सर टैग क्वेश्चन क्या होता है, थोड़ा सा टैग क्वेश्चन के बारे में बता दूं। टैग क्वेश्चन हमेशा दिए गए स्टेटमेंट के पीछे बनता है। अगर ये स्टेटमेंट पॉजिटिव हो, स्टेटमेंट क्या हो पॉजिटिव, तो टैग क्वेश्चन क्या बनेगा, नेगेटिव बनेगा। टैग क्वेश्चन हमेशा नेगेटिव बनेगा। अगर ये स्टेटमेंट नेगेटिव हो, स्टेटमेंट क्या हो नेगेटिव, तो टैग क्वेश्चन क्या बनेगा, पॉजिटिव बनेगा। टैग क्वेश्चन हमेशा पॉजिटिव बनेगा। टेंस में चेंज नहीं करना होता, हुबू टेंस रहता है। देखिए इस वाक्य में इतना ही स्टेटमेंट है कि हैडंट मीट यू बिफोर, इसके आगे आपको टैग क्वेश्चन बनाना होता है। यदि मैंने पहले ही बता दिया, दिया गया स्टेटमेंट पॉजिटिव हो तो टैग क्वेश्चन नेगेटिव बनेगा, दिया गया स्टेटमेंट नेगेटिव हो तो टैग क्वेश्चन क्या बनेगा, पॉजिटिव बनेगा। और इनका स्ट्रक्चर ये रहेगा, अगर ये स्टेटमेंट नेगेटिव है तो टैग क्वेश्चन बनेगा एचवी प्लस प्रेनाउन, एचवी प्लस प्रेनाउन प्लस प्रश्नवाचक चिन्ह। अगर ये दिया गया स्टेटमेंट पॉजिटिव हो तो अपना टैग क्वेश्चन ये बनेगा हेल्पिंग वर्ब प्लस नोट प्लस प्रेनाउन प्लस प्रश्नवाचक चिन्ह। और वर्ब का याद रखिएगा, वर्ब के साथ जो नोट है उसकी कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म लगेगी, ओ को नहीं लिखना है, एन कोमा टी वो लिखना है। तो वाक्य कहता है He hadn't meet you before. देखिए दिया गया स्टेटमेंट है वो नेगेटिव है, तो टैग क्वेश्चन क्या बनेगा, पॉजिटिव बनेगा। और पॉजिटिव का सूत्र क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब प्लस प्रोनाउन। तो इसमें साइक्रिया हेड है तो डिड तो आ ही नहीं सकता, वोज भी नहीं आ सकता। अब दो बचा है, एक मतलब हेड ही और एक हेडंट ही। अब देखिए नेगेटिव है तो टैग क्वेश्चन क्या बनेगा, पॉजिटिव बनेगा, हेड ही। इस प्रकार अपने क्वेश्चन 12 हल हो गए। 13 नंबर क्वेश्चन को देखिए आप, स्टॉप द नॉइज, स्टॉप द नॉइज आपको टैग क्वेश्चन बनाना है, स्टॉप द नॉइज। आप कहोगे सर इसमें तो एचवी दी नहीं है, तो फिर हम इसका टैग क्वेश्चन कैसे बनाएं। देखिए बेटा इंपरेटिव सेंटेंस अगर आपको मिलता है लेट अस को छोड़कर, जैसे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से ले लो, प्लीज काइंडली से ले लो, या डोंट से ले लो, तो इंपरेटिव सेंटेंस का टैग क्वेश्चन हमेशा ही विल यू बनता है। क्या बनता है, विल यू। 14 नंबर देखिए, इट इज ए ब्यूटीफुल फ्लावर, ये आपको एक स्टेटमेंट दिया गया, हमें एक स्टेटमेंट दिया गया, इट इज ए ब्यूटीफुल फ्लावर, हमें टैग क्वेश्चन बनाना है। टैग क्वेश्चन बनाना है, फर्स्ट ऑफ ऑल स्टेटमेंट को देखिए, स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो अपना सूत्र क्या रहेगा, हेल्पिंग वर्ब प्लस नोट प्लस प्रोनाउन। और ये मैंने बता दिया कि नोट की कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म लगेगी, जैसे डिडंट ऐसे नहीं लिखते, डिड नोट लिखा जाएगा गलत होगा, जैसे डज के साथ नोट लगाने तो डजंट नोट, डज नोट ऐसे नहीं लिखना है, इसको कहते हैं कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म ऑफ वर्ब। तो देख लीजिए इसमें वर्ब क्या आया, इज आया, प्रोनाउन क्या आया, इट आया, तो अपना आंसर क्या हो गया, इजंट इट हो जाएगा। इज इट तो हो नहीं सकता क्योंकि ये तो पॉजिटिव है तो नेगेटिव बनाना है। इजंट फ्लावर भी नहीं हो सकता क्योंकि फ्लावर इस सेंटेंस का सब्जेक्ट नहीं है, तो ये इनकरेक्ट हो जाता है। एक तो दिया मैंने इजंट इट और एक दिया इज नॉट इट, कौन सा आंसर लेंगे, ये बात मैंने पहले ही क्लियर कर दी है कि जो एचवी के साथ आप नोट लगाते हैं तो कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करना है, तो आप नीचे वाला नहीं ले सकते, आपका आंसर होगा इजंट इट। ये था अपना 14 नंबर टैग क्वेश्चन। राहुल ब्रोक द टेबल, राहुल ब्रोक द टेबल, फ्रेमिंग क्वेश्चन बाय यूजिंग हु, ये आ गया आपका डब्ल्यू एच वर्ड वाला, यानी का हु का प्रयोग करते हुए आपको एक दिए गए स्टेटमेंट से प्रश्नवाचक वाक्य बनाना है। यदि हमको डब्ल्यू एच वर्ड हु से प्रश्न बनाना हो तो दिए गए स्टेटमेंट के सब्जेक्ट है उसको हमें हटाना पड़ता है, क्योंकि उसके बारे में क्या पूछा जा रहा है, प्रश्न पूछा जा रहा है। राहुल ब्रोक द टेबल, कि राहुल ने टेबल को तोड़ा, प्रश्न आएगा टेबल को किसने तोड़ा था, तो राहुल ने तोड़ा तो राहुल तो ऑटोमेटिकली छूट जाएगा। तो पहला आंसर कहता है हु ब्रेक्स द टेबल, क्या सही है ये आपकी नजर में, क्या सही है, आप कहेंगे नहीं सर तो फिर सही क्यों नहीं है, बताइए मुझे फटाफट क्यों नहीं है सही, क्योंकि वहां वर्ब की सेकंड फॉर्म है, कौन सी फॉर्म है,
मतलब पास्ट इंडेफिनिट है, यहाँ पे कौन लगा रहा हूँ, फैस्ट लगा रहा हूँ, गलत है। बाई होम, हू का बाई होम तो पैसिव वॉइस में होता है, इसमें हो ही नहीं सकता। हु ब्रोक द टेबल, हु ब्रोकन द टेबल, देखिए कौन सा होगा, हु ब्रोक द टेबल, हु ब्रोकन द टेबल, ब्रोकन तो नहीं हो सकता ना, सेकंड फॉर्म होती है। हु ब्रोक द टेबल, टेबल को किसने तोड़ा। 19 क्वेश्चन हल हो गए। 20, इट इज द ओल्डेस्ट ट्री, आप पे छोड़ता हूँ, बड़ा इजी है। इट इज द ओल्डेस्ट ट्री, इट गिव्स अस ऑक्सीजन, की सबसे पुराना पेड़ है, ये क्या देता है, ऑक्सीजन देता है। विच का प्रयोग करना है, रिलेटिव प्रोनाउन विच का प्रयोग करके आपको सेंटेंस को जोड़ना है। इट इज द ओल्डेस्ट ट्री विच गेव अस ऑक्सीजन, क्या सही हो सकता है, यूज तो सही हुआ है क्योंकि यहाँ पे अपन को विच का यूज करना है। इट का यूज किसके लिए हुआ, ट्री के लिए, इसके लिए अपन क्या लगा सकते हैं, यहाँ विच लगा सकते हैं, जो ये सबसे पुराना पेड़ है जो क्या देता है, ऑक्सीजन देता है। बट गलती कहाँ हुई, इसमें देखिए प्रेजेंट टेंस है और यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, पास्ट नहीं हो सकता। इट इज द ओल्डेस्ट ट्री, ये सबसे पुराना पेड़ है, विच गिव्स अस ऑक्सीजन, जो हमें क्या देता है, ऑक्सीजन देता है, इस पे अपन विचार करेंगे। इट इज द ओल्डेस्ट ट्री विच इट, दोबारा इट नहीं आ सकता, दोबारा इट नहीं आ सकता, इट मीन्स बिल्कुल से करेक्ट आंसर। इट इज द ओल्डेस्ट ट्री विच गिव्स अस ऑक्सीजन, ये सबसे पुराना पेड़ है जो हमें क्या देता है, ऑक्सीजन देता है। इस प्रकार पूरे 25 एग्जाम्पल मैंने आपके सामने रखे, इसमें हमने वॉइस को इंक्लूड किया, स्पीच को इंक्लूड किया, करेक्ट फॉर्म को इंक्लूड किया, फ्रेमिंग क्वेश्चन आए, टैग क्वेश्चन आया, रिलेटिव प्रोनाउन को हमने यूज किया। तो जितने भी ग्रामर के इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट टॉपिक है उनको इंक्लूड करने का प्रयास किया। नेक्स्ट आपको एक मिक्सर वीडियो पूरी ग्रामर का और मिलेगा, तब तक पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। अगर कहीं भी आपको दिक्कत लगती है समझने में तो आप कॉमेंट बॉक्स में जाकर कॉमेंट कर सकते हैं। तब तक जय हिंद, जय भारत।